إيمان قول مصطفى. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله عز وجل درس سيرة हमारा जारी امام عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمت اللہ تعالی كتاب مقتصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الاشراقه درس हम في درس में محترم صلى الله تعالی علیہ والہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے اور آپ علیہ والسلام का जो नमाज जनाजा किस अंदाज में पड़ा गया इसके हवाले से कुछ बातें हमने सुनी थी मज़ीद आगे आप इर्शाद फरमाते हैं कि व फोरी शाह तहतफ़त नजरानीयन काना तो बिहार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लासम के पास एक नजरान की चादर थी तो वो आप हिस्लात के आ, कबर के अंदर रखी गई और इसी के जरिए आपलात इस्लाम को ढापा गया तो आपलात इस्लाम के लिए ये चादर आपकी कब्र मुबारक के अंदर रखी गई थी वालब्रह्बास वली वा वफलू वा वन व शुक्र यानी नबी पाक वसल्लम की कब्र में जिन हजरा ने दाखिल होने की शहादत हासिल की कब्र मुबारक के अंदर उतारे तो वह हजरत अब्बास नबी पाक सल्लाम के चचा जानरत अली रदी अल्लाह यानी मोला कायन रदी अल्लाहरत फजल बिन अब्बास बिन अब्बास ये दोनों भी नबी पाक सल्ल तसलम के चचाजाद भाई, शुक्रान और जो गुलाम थे इनके ये इन हजरा को कबर के अंदर दाखिल होने की शहादत हासिल हुई कबर बनाने के हवाले से कॉल ये है कि हजरत सीद अबू तलहा अंसारी इन्होंने नबी के पाक सल्ला की कबर तैयार की थी क्योंकि ये कबर तैयार करने के माहिर थे और फिर इसके बाद तमाम के तमाम साहबा तकरीबन वहाँ मौजूद थे जब नबी पाक सल्ला को कब्र में उतारा जा रहा था तो हजरत सीद ना अबू मसा अशारी रजिय ये फरमाते हैं कि दफन के दौरान मैंने अपनी अंगूठी अंदर गिरा दी तो अब दफन करने से पहले जो है वो मैंने गुजारिश की कि मेरी अंगूठी नीचे गिर गई है तो हजरत वकरत ने कहा कि ले लें आप ज़ाहिर है कि अब इसकी तो शरण इजाजत है कि आप उतर कैसे ले लें तो वो कहते हैं सबसे आखिरी था जो नबी की खबर के अंदर उतरा और मैंने आपकी पेशानी की बोसा के दरम्यान भोसा लिया दोनों आंखों के दरमियान पेशानी पर बोसा लिया तो इन हजरात को नबी पाक सल्लाम की अनवर के अंदर दाखिल होने की शहादत हासिल हुई व उत का आड़े ही तस्पुलबीना थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के ऊपर नौ ईंटें ये रखी गई जिसको हमारे असिल बोलते हैं जो रखी जाती है बड़ी बड़ी तो वो इस तरह की या छोटी होंगी उस हिसाब से हजम में तो वो नबी पाक सल्लाम की कब्र मुबारक के ऊपर रखी गई

तो उसी जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सली वसल्लम को दफनाया गया और लहद जो खोदी जाती है कि पहले ताकन बना के फिर साइड में जो एक लहद जो सुन्नत है इसी अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसम की वो लहद बनाई गई और ये हजरत आयशा नदी अल्लाह तरह में थी फिर उसी जगह पर उसी घर के अंदर हजरत अबू बकर और हज़रतमर रदी अल्लाह तहुम ला को भी दफनाया गया जिसका मशहूर है तो इसमें इख्तिलाफ़ खड़ा हो गया था भाई किस जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो मदफ़ून किया जाए कहाँ अनवर बनाई जाए तो सईद नबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ला ने यह हदीस मुबारक बयान की नबी पाक सल्ला से मैंने खुद सुना है कि नबी आलिस्लाम को उस जगह पर दफनाया जाता है जिस जगह इनका विशाल हो तो बिर दी का साहबा के नाम अड़वान ने भी तायद की कि हमने इसी तरह सुना है और उसी मकाम पर नबी पाक अलैहि वसल्लम को यानी हजरत आयशर अली का जो हजरा था उसी में आपलात उस को दफन किया गया वहीं आपकी खबर अनवर बनी यहाँ तक नबी पाक सल्ला व्सम की वफ़ात ज़ाहरी का तस्करा ये मुकम्मल हुआ अब आगे जो चैप्टर है जो फसल है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक औलाद के हवाले से है फरमाते हैं फसल औलादी ये फसल ये बाब ये चैप्टर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के तस्करे के बारे में है वह मिनल ब नबी पाक सल्ला के तीन बेटे थे तीन बेटे इन सही कौल के मुताबिक ये तीन बेटे थे बाकी इसके अलावा बाज ने कहा कि चार थे यानी अभी आगे तस्करा आता है अब्दुल्ला का जिनको तैयब ताहिर कहा जाता था तो बाजों ने इनको जुदा, जुदा जुदा गाना बना दिया अब्दुल्ला को अलग बना दिया हज़रत अब्दुल्ला रजी अल्लाह को और हज़रत तय्यबोता ताहिर को अलग बना दिया इसकी वजह से ये चार हो गए बाजों ने दीगर का तस्करा भी किया है मिला क़ारी रही ने इस पर एक मुस्तकिलसाना लिखा है जिसमें नबी पाक सल्ला वसलम की औलादाद जो थीं कौन कौन सी थी क्या इसके बारे में इख्लाफ है तो उन तमाम का तस्करा किया है कि ये 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 इनके बारे में नबी पाक सली वम के औलाद होने का जिक्र किया गया है किसी ने सात किसी ने आठ किसी ने नौ किसी ने दस किसी ने इससे ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद का तस्करा किया है लेकिन सही यही है कि इस्लाम के तीन शहजादे थे और चार शहजादियाँ थीं जिनका तस्करा यहाँ पर मुसनफ़ फरमा रहे है। तो हैं तो फरमाते हैं वल वलू मिनत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन शहजादे थे अलकासम सबसे पहले शहजादे हज़रत कसिम रदी का इन्हीं के जरिए नबी पाक कासिम है ठीक है तो बड़े बेटे की नस्बत से नबी पाकनीत क्या हुई अबिम खुद फरमाते हैं मुस्तरक हाकिम की हदीस मुबारक अन कासिम व इनमा अन कसिमी मैं अब्लकासिम हूँ और मैं तकसीम करने वाला हूँ और अल्लाह पाक अता फ़रमाने वाला है और इस किताब की इब्तदा में हम सुन के आ चुके मुसनिफ़रमा ने इस बात को ज़िक्र किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अबुल कासिम कहा जाता है इसकी वजह यह है कि कयामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान जन्नत को तकसीम फरमाएंगे हम इसलिए आप्लाम को अब अकसम कहा जाता है तो हज़रत सैदास रजी ये नबी वसल्लम के पहले शहजादे थे इसमें तो अलग इख्ताफ है कि हज़रत जैनब रजी तन की पहले विलादत हुई हज़रत लेकिन अक्सर जो मक़ीन हैं जो सीरत लिखने वाले हैं उनका रुझान इसी तरफ है कि नबी पाक सल्ला के औलाद में से अल्लाक सबसे पहले हजरत कसिम रजी अल्लाह तन थे और

दो साल अभी मुकम्मल नहीं हुए थे दो साल के करीब करीब ये पहुंचने वाले थे इससे पहले ही इनका इंतकाल हो गया था आ, इमाम फरियाबी रम्ही ने अपनी मुस्ंद में यह मुबारक नक़ल की है कि हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तहा के पास नबी पाक सल्ल तशीफ लेकर आए और उस वक्त हज़रत कासिम रदी अल्लाह तहों का इंतकाल हो गया था तो हज़रत खदीज रदी अल्लाह तहा रो रही थी और उन्होंने अर्ज़ किया रसुल्ला ल्दा, वसल्लम काश के ऐसा होता कि हजरत कासिम की जो रजाक की मुद्दत थी वो पूरी हो जाती यानी दो साल पूरे हो जाते तो ये मेरे पर कुछ आसान हो जाता बेटे का इंतकाल हो जाना विसार हो जाना ये है तो भारी लेकिन कम से कम ये होता कि जितना मुझे दूध पिलाना था मैं इनको दूध पिला देती तो कुछ ना कुछ मुझ पर यह मामला हल्का हो जाता अब ये तो दुनिया से चले गए और इन्होंने मेरा दूध भी पूरा नहीं पिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि ने इरशाद फरमाया फिल इन हो यानी इनके लिए जन्नत के अंदर एक दाई है के जो इनकी की को पूरी करेगी तो उसका मतलब ये हुआ कि ये दो साल से पहले दुनिया से तशरीफ ले गए थे तो हजरत ने अर्ज की लव अलिया। ये बात जब मुझे मालूम हो गई तो ये तो मुझ पर बहुत हल्की है कि मेरे बेटे को जन्नत के अंदर एक दाई जो है वो दूध पिलाएगी जन्नत की खातून जन्नत की औरत दूध पिलाएगी तो ये चीज़ मुझ पर क्या हो गई मैंने इसको जान लिया तो ये मुझ पर हल्की हो गई नबी पाक सल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनकी सऊत जन्नत अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हज़रत कासिम की जन्नत में आवाज़ सुना दूं तो हजरत खदीजे रजी अल्लाह तहा ने अर्ज की कि बल उसद रसूल बल्कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की तस्दीक करती हूँ यानी अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानती हूँ ठीक है ठीके? ये रिवायत इमाम फिरियाबी ने जिक्र की है इसका मतलब फिर ये बनेगा कि हजरत कासिम रजी अल्लाह तहों की जो विलादत हुई वह ऐलान नबूत के बाद हुई इस कौल के मुताबिक वरना मशहूर और मारूफ जो कौल है वो क्या है कि आपकी विलादत ऐलान से पहले हुई ठीक है? तो दो साल के बारे में फरमाया फरमाए आशा मशा और हजरत कतादा फरमाते हैं कि हजरत कासिम रजी अल्लाह हयात रहे यहां तक के आपने चलना शुरू कर दिया था चलना शुरू कर दिया था तो बाज ने कहा कि चलना शुरू कर दिया था लेकिन अभी मुद्दत रजात पूरी नहीं की थी तो बात वही है कि बास बच्चे होते हैं जो तो जल्दी चलना सीख जाते हैं दो साल से पहले भी चलना सीख जाते हैं तो हजरत कासिम रजी अल्लाह तन ये दो साल से पहले ही चलना सीख गए थे और इससे पहले ही इनका मिसाल हो गया था वह अब्दुल्ला दूसरे शहजादे नबी पाक सल्लाम के अब्दुल्ला है वसम्मत तोयबा व तोहरा और इन्हीं को तय्यब ताहिर कहा जाता है तयीब ताहिर कहा जाता है ली फिल इस्लाम इसलिए कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले शहजादे थे जिनकी इस्लाम यानी ऐलान नबूवत के बाद विलादत हुई हजरत कासिम रजी तन भी जन्नती हैं जब बीबी खदीजा रजी अल्लाह तहा ने यह अर्ज की थी कि मेरी जो औलाद आपसे है वो कहाँ है तो फरमायान्नत में है सारी औलाई जन्नती हैं हजरत खदीजा रजी अल्लाह तहा से सारी औलाद हुई और हजरत मारिया रजी अल्लाह तह से एक शहजादे हुए लेकिन ये सारे के सारे चारों बेटियाँ और तीनों बेटे ये सारे के सारे कत जन्नती हैं लेकिन इनको तयीबो ताहिर कहने की के वजह क्या बनी कि इस्लाम की हालत में यानी ऐलान नबूबत के बाद इनका इनकी विलादत हुई इसलिए इनको तयीबो ताहिर कहा जाता था और इनकी विलादत भी मक्का मुकरमा में हुई और इन्हीं के इंतकाल पर आस बिन वाइल ने नबी पाक वसल्लम पर नावज तान किया था कि इन्ना मुहमदर नाउजिल्ला नसल आगे नहीं चलेगी तो इस पर सूरत पाक ने नाजिल फरमाईना कल कौसर कि हमने आपको कौसर अता कर दी आप अपने रब के लिए रबी का बन अपने रब के लिए नमाज पढ़े कुरबानी करें शानी अका अबर आपका दुश्मन ही नसल बरीदा है उसकी औलाद रहेगी नहीं इन्ना कल का एक माना मुफस्सरीन के नजदीक ये है कि हमने आपको बहुत ज्यादा औलाद अता फरमाई कि हजरत हसने ने करीमेन से आपकी औलाद चरी और आज दुनिया के चप्पे चप्पे में साधात कराम मौजूद है जबकि आसबिन वाइल का नाम जानने वाला भी कोई नहीं है आसबिन वाइल का नाम जानने वाला भी कोई नहीं है जिसने ये कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाविल्ल नाम बाकी नहीं रहेगा उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो क़ियामत के बाद भी बाकी रहना है और इन्हीं के सदके जन्नत के अंदर सबने दाखिल होना है और जन्नत में भी इन्हीं का नाम होगा चप्पे चप्पे पर वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है लेकिन आस बिन वायल को कोई जानने वाला भी नहीं है इसलिए कि अल्लाह पाक ने फरमा दिया इन निशानियाँ का हल अबतर जो आपका दुश्मन है वही अबतर है वही बे नाम निशान होगा उसी की नस्ल ख़त्म होगी ठीक है वकीला एक कौल ये है कि इन व वैयबा गैर हो जो तयब व ताहिर थे नबी पाक सल्ला वसम के शहजादे वो हज़रत अब्दुल्ला के अलावा दूसरे थे तो अभी मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि बाज ने चार ज़िक हैं इसकी वजह क्या है कि तयब व ताहिर को जुदाकाना शुमार किया है और हज़रत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अलग शुमार किया है मुसन फरमाते हैं सहीहुल सहीअल बात पहली सही है कि हजरत अब्दुल्ला ही तयियबो ताहिर है लिहाजा शहजादे आप के तीन हैं ठीक है वह इब्राहीम रदी अल्लाह तन और हज़रत इब्राहिम रदी अल्लाह तन ये भी नबी पाक सल्लाम के तीसरे शहजादे हैं वोलीदिलमदीन थी ये मदीने में पैदा हुए के व मात बिहा सनत अशरिन वह हुआ इब्नु सबअत अशर शहरन और समानियत अशर शहरन और इसी में सन दस हिजरी में इनका विसाल हुआ और उस वक्त ये सत्रह माह के या अठारह माह के थे सत्रह माह या अठारह माह के थे तो इनके लिए भी हदीस पाक के अंदर मौजूद है कि जन्नत के अंदर एक दाई मौजूद है जो इनकी भी मदत रिजात पूरी करेगी ठीक है और इनके पैदाइश पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए थे आप आसलात उस ने इनकी तरफ से अकीका भी किया था और इनके बालों के वजन के बराबर चांदी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाकिन पर जो है वह तसद्द की थी उनको सदका की थी चांदी भी तकसिम फरमाई थी आप ने जब इनकी विलादत हुई थी तो हर एक की ख्वाहिश थी अंसार के घराने में कि काश दूध पिलाने की सादत हमारे घराने को मिले और बड़ी लोग अंसार जो थे उन्होंने बड़ी कोशिश की थी हर एक की ख्वाहिश थी कि हमारे घराने को जो है वो ये सदत नसीब हो जाए लेकिन ये हजरत अबू सैफ थे जो लोहार थे उनकी खातून थी उनको हज़रत इब्राहिम रजी अल्लाहों को दूध पिलाने की दत हासिल हुई थी और इनकी विलादत पर हजरत जबरले अमीन अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अबा इब्राहिम यानी ए अबू इब्राहिम के के मुखातब किया था तो बासों ने इसीलिए नबी पाक वसल्लम की कुनियत अबू इब्राहिम जिक्र की है ये नबी पाक अलैहि वसल्लम के कामिल मुशाबे थे हजरती अमीन ने नबी पाक की बारगा में थी कि आपके ये शहजादे खिलकत में आपके मुशाबे हैं आप जैसे ही हैं तो अगर ये हयात रहते बड़े होते तो नबी पाक अलैहि वसल्लम जैसी शक्लो सूरत शक्र, इनकी होती लेकिन इसी उम्र में इनका विशाल हो गया और इनके विशाल पर नबी पाक सल्ला वसलम की आंखों से आंसू जारी थे और आप अलैहिस्सलाम की जबान पर ये अल्फाज थे के तदमा उबा यानी आँखें आंसू बहाती हैं दिल गमगीन है लेकिन हम बात वही करते हैं जो हमारे रब को राज़ी करने वाली हो और हम तुम्हारे फ़िराक पर तुम्हारे जाने पर ए इब्राहिम गबजदा है गम हमारे दिल के अंदर मौजूद है आंखों से आंसू बह रहे हैं लेकिन आ, जो जबान से निकलेगा वो क्या निकलेगा कोई शिकवा शिकायत नहीं निकलेगा बात वही निकलेगी जो अल्लाह पाक को राजी करने वाली है ठीक है कि तीन शहजादे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इनको हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह जन्नतुल बकी के अंदर दफन किया गया है वकील कानू ए कोल जिकर कर दिया गया जिसका खुद मुसन्फ़ रद्द कर रहे हैं कि इसकी कोई नहीं है नबी पाक ऐसी पाक, पाक रखा हुआ कि बाजों ने कह दिया कि नबी पाक सल्ला केजादे हुए जिनका नाम आपने अब्दुल्जा रखा तो ये तस्वुर ही नहीं है कि नबी पाक सल्ला के ऊपर नाम रखेंगे बच्चे का पॉसिबल ही नहीं था मुमकिन तो ही नहीं था वो पाक फरमाते है, पाक ने पाक है। और इससे महफूज रखा है कि आप नाम और ऐसी कोई औलाद नबी पाक वसल्लम की नहीं हुई थी तीनों शहजादे नबी पाक वसल्लम की जिंदगी में छोटी उम्र ही में इंतकाल कर गए थे अब बेटियों का तस्करा फरमाते हैं वल बना तो

पहले गैर मुस्लिम थे इस्लाम लेकर नहीं आए थे लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था हजरत बिन बिन रबी ने इस्लाम बाद में कबूल कर लिया था और ये जैनब रजिया के खालाजाद भाई थे यानी हजरत खदीजा की जो बहन थी हालाद इनके ये बेटे थे तो खालाजाद भाई थे इन्ही से हजरत का तक हुआ था और इनके शहजादे थे अली शेजादे अली थे इन्हीं के बारे में बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है कि बिल्कुल पुराने मशक्ज़े की तरह इनका हाल हो गया था इन्हीं विशाल का वक्त बिल्कुल करीब आ गया तो नबी पाक सल्ला के घर इनकी अल्तजा पशीफ लाए थे तो आप अल इसम उस वक्त भी आपकी आंखों से आंसू जारी थे तो बाद साहबा के राम अलीवान ने अर्ज की थे कि आप भी आप भी रो रहे हैं तो फरमाया कि ये तो रहमत है जो अल्लाह पाक मोमिन के दिल के अंदर रखता है कि इसकी वजह से आंसू ये आ रहे हैं जबान से कोई ऐसी बात नहीं की गई अब्बास के मुताबिक जो है ये कोई और शहजादे थे हज़रत जैनब के जिनका इंतकाल हो गया था और अब्बाज़ ने फरमाया कि यही हजरत अली थे नबी पाक सल अला वसम के तशरीफ लाने की वजह से उनको सेहत शिफा मिल गई थी ठीक है तो ये तकरीबन बड़ी उम्र को पहुंचे थे लेकिन बालिग नहीं हुए थे और फतेह मक्का के मौके पर जब नबी पाक सल अल्लाह वसलम मक् मुकरमा तशरीफ़ लाए थे तो उठनी पर इनको अपने साथ बिठाया हुआ था छोटे थे इसलिए अपने साथ नबी पाक सल्ला ने उठनी पर बिठाया हुआ था छोटी उम्र में इंतकाल हुआ और इनके यानी हज़रत जैनब रदी अल्लाह तहा के यहाँ दूसरी जो विलादत हुई वो बेटी की हुई जिनका नाम उमामा था उमामा रदी अल्लाह तहा ये वही हजरत उमामा है कि जिनकी ये खसूसियत है कि नबी पाक अलैहि वसल्लम ने नमाज में इनको खुद कंधे पे बिठाया और जब सदे में जाते थे तो फिर नीचे रख देते थे फिर खड़े होते तो उनको कंधों के ऊपर उठा लिया था वैसे तो हसनैन करीमेन के भी वाकियात हैं लेकिन वो क्या है कि वो पीठ पर आकर तशी फरमा हो गए आप पीठ पर आके बैठ गए ठीक है वो एक जुदा गाना वाकियात है लेकिन इनका तस्करा यूँ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बायदा इनको कंधों पर उठाया और नमाज के लिए नीचे जाते तो नीचे रख दिया करते थे फिर उठा लिया करते थे ये नबी पाक सल्लाम की खसूसियात में से किसी और को इसकी इजाज़त नहीं है नबी पाक सल्लाम इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे और यानी एक मरतबा एक हार बार का रालत में पेश किया गया तो आप ने कि ये मैं उसको दूंगा अपने घर वालों में से जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है तो सबका जहन किया कि तो हजरत आयशरदगी को मिलेगा तो नबी ये पाक वसल्लम ने इनको बुलाया खेल रही थी छोटी थी और बुला के नबी पाक ने हार इनको दे दिया इनका निकाह कायनात बीबी फातिमा के विशाल के बाद रजियाल्ला से हुआ था अली ने बीबी फातिमा की वसीयत के मुताबिक इनसे निका फरमाया लेकिन इनकी फिर आगे औलाद नहीं चली थी ये नबीक सल्लासम की पहली शहजादी है दूसरी शहजादी व फातिमा तो बिन तु रसूल दूसरी शहजादी नबी पाक फातिमा व मुहसिन मातुलजह

तीन शहजादे आपके यहाँ हुए हजरत हसन हजरत हुसैन नदी अल्लाह तुम और तीसरे शहजादे हजरत मुस्सिन या मुशसिन मुसिन या मुशिन ये जो हजरत मुशसिन या मुशसिन जो थे ये क्या थे छोटी उम्र में इंतकाल कर गए चंद माँ के थे उसी वक्त इनका मिसाल हो गया था और दो शहजादियां हुई एक कौल के मुताबिक तीन शहजादियां हुई और एक कौल के मुताबिक इनकी यानी हजरत फातिमा जहर नदी अल्लाह की दो शहजादियाँ थी एक हज़रत उम्मीद कुलसुम, कुल इनसे हजरत उमर रजील ने निकाह फरमाया था तो क्या आपने ये फरमाया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम से सुना है कि क़यामत के दिन सारे रिश्ते नाते मुनते हो जाएंगे सिवाय मेरे रिश्ते के मेरी मेरा जो नस्ब होगा मेरे साथ जो मुताले का रिश्ता है वो बाकी रहेगा तो इसी फजीलत को हासिल करने के लिए हजरत उमर रदी अल्लाह तनों ने इनके लिए पैगाम निका हज़रत अली रदी अल्लाह तेजा था तो कुलसूम से हजरत उमर रदी तनोंने निका फरमाया दूसरी शहजादी थी हजरत जैनब रदील तुम मशहूर वरूफ शख्सियत हैंत इम हुसैन रदी अल्लाह तनों के साथ मैदान करबला में यही मौजूद थी और सही कौल के मुताबिक ये नबी पाक सल्लाम के

हमारे यहाँ जो मशहूर मरूफ कौल है वो ये है कि सईद कायनात रदी अल्लाह तन नबी पाक वसल्लम की सबसे छोटी शहजादी है सबसे छोटी शहजादी है दूसरे नंबर पर जिनकी विलादत हुई वो हजरत रुकैया रजी अल्लाह तन रुकैया रदी अल्लाह तन और तीसरे नंबर पर हजरत सईदा उम्म कुम रजी अल्लाह तन है उम्मूम रज़ी ताला और चौथे नंबर पर हज़रत सईद फ़ातिमा जहरा रज़ी अल्लाह ताल की विलादत हुई ये कौल मशहूर भी है और हाफिजन अब्दुल्बर रही तजदीक आपने फ़रमाए किए अगरचे के अजतराब हैफ़ है लेकिन जिसकी तरफ दिल मतम है वह यही कौल है कि पहले हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह फिर इसके बाद हज़रत रुक़ ऱी अल्ला तहा फिर इसके बाद उम्मूम रदी अल्लाह तहा और फिर इसके बाद जरत सईद फातिमा जहर रजी तन इनकी वही बाजों ने हजरत जैनब रजिय फिर तन फिर हजरत फातिमा जहर रजी अल्लाह तन फिर इसके बाद हजरतुल रजियल तन इनका तस्कर तीसरी शहजादी का तस्करा करते हैं वह रुकै तो बिन तु रसूल सल्हुस

और फिर इसके बाद नबी पाक वसल्लम की चौथी शहज़ादी हजरत रजियहा इन से हजरत रुकैयास्मान गनी रजी तनों का निका हुआ यानी यकी एक के बाद दूसरी शहजादी हजरत ऊस्मान गनी रजियो के निका में आई इसी वजह से आपको जुन्न कहा जाता है ठीक है हज़रत रुक़ रदी अल्लाह से हज़रत ऊस्मान गनी रदी अल्लाह तनों के एक शहजादे थे अब्दुल्ला इनका नाम हजरतान रजी तनों ने अब्दुल्ला रखा था इनका नाम अब्दुल्ला रखा था वह बिहिकना और इसी वजह से हजरत ऊस्मान गनी रजियनों की गुनीत अबू अब्दुल्ला थी अब अब्दुल्ला थी ये भी बचपन में ही इंतकाल कर गए थे फ़ल बना तो अरब बिला खिला नबी पाक वसल्लम की शहजादियां बगैर किसी अख्तलाफ के चार हैं फल बना तो अरब सुन्नत का इत्तिफाक़ है कि नबी पाक वसल्लम की चार शहजादियां, वह सही हूँ अन्नहुम सलासतुन, और बेटों के बारे में सही कौल क्या है कि आपके तीन बेटे थे वउ्ल मरीका सबसे पहले नबी पाक अलैहि वसल्लम के शहजादे हजरत कासिम पैदा हुए सीनबू फिर इसके बाद हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा की विलादत हुई सक़ै फिर इसके बाद हज़रत रुक़ की सातिमा तो फिर इसके बाद हजरत सईदा फ़ातिमा ज़हर रदी अल्लाह तहा की विलदत हुई सम कुलसूमिन फिर इसके बाद हज़रत अम कुलसूम की विलादत हुई फिर इस्लामी अब्दुल्ला फिर इसके बाद के बाद जो सबसे पहले विरादत हुई हजरत अब्दुल्ला की हुई इब्राहिम फिर इसके बाद सबसे आखिरी शहजादे मदीना मनवरा में हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह तारायण पैदा हुआ व औदीजत इब्राहिम फूमारियता यानी नबी पाक की सारी के सारी औलात खदीजन से थी सिवाय हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह के इनकी विलादत मदीना मुनवरा में हुई जबकि हजरत खदीजा रजी तह का वाल मुकरमा में हो चुका था इनकी विलदत किन से हुई हजरत मारिया रदी अल्लाह तन से नबी पाकली के पास हदिया किया था मिस्र के बादशाह मकूकस ने हज़रत मारिया रजी अल्लाह तेबी पाकलीब्राहिम रजी तैया फातिमा सारे के सारे नबी पाक सल्ला की सारी औलाद आप अरेत के सामने ही मिसाल फरमा गई सिवाए हजरत फातिमा रजी अल्लाह तरश बाद

और बहुत सारी चीजों के ऊपर कमाल का सबर किया जमीला के ऊपर आला दर्जे का अमल किया कि कुफार की को बर्दाश्त किया आपने, तो अगर रिश्तों की देखा जाए, तो आप ही के सामने यानी आपकी वालद मोहतरमा दुनिया से पर्दा फरमा गई, फरमा गई जब आपकी जबकि आप अभी सिर्फ छह साल के थे और वारिस साहब सही कौल के मुताबिक अभी आप माँ के पेट में ही थे इससे पहले ही वाल साहब का दुनिया से विशाल हो गया पर्दा फरमा लिया उन्होंने फिर इसके बाद आठ साल की उम्र में दादा जान भी रशीफ ले जाते हैं नहीं बचपन ही के अंदर बड़े बड़े सदमे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा फिर इसके बाद जो ख्याल रखने वाले अफराद हैं उनका दिगरा दीगरे जो है वो इंतकाल होता चला जाता है वो दुनिया से पर्दा करते चले जाते हैं और औलाद के एबार से देखें तो तीनों शहजादे छोटी उम्र में ही दुनिया से जा रहे हैं तो कितना बड़ा एक सदमा लगता है और फिर इसके बाद बेटियां बड़ी होती हैं निकाह होता है उसके बाद इन ये भी दुनिया से पर्दा फरमा जाती है और एक बेटी एक शहजादी बाकी रहती हैं तो उनके बारे में खुद नबी पाक सल्ला बता देते हैं कि मेरे बात सबसे पहले तुम ही मुझसे आके मिलोगे अगर बंदा इस पर गौर करता है तो पता चलता है कि नबी पाक वसल्लम ने इस अतबार से कैसे सदमे उठाए और उन पर आला दर्जे का नबी वसल्लम ने सबर फरमाया है तो इसमें हमारे लिए जिनको मसाइ पोचते हैं बहुत बड़ा सबक मौजूद है यहाँ तक नबी पाक सल्लाम का औलाद मुबारक का जिक्र किया अब आगे जो तस्करा कर रहे हैं मुसनफ़रमा वो जिक्र कर रहे हैं नबी पाक अलैहि वसल्लम के हज और उमरे के बारे में हज और उमरे के बारे में कि कितने नबी पाक अलैहि वसल्लम ने हज किए और कितने नबी पाक ने नेमरे किए नबी पाक सल्ला मदीने तशरीफ ले आए मदीन तशरीफ ले आए इसके बाद नबी पाक सल्ला वसम ने फ़क्त एक हज फरमाया जिसको हजतुलवादा कहा जाता है हजतुल वदा मदीने तशरीफ लाने के बाद आपने एक ही हज फरमाया हाँ मदीने तशरीफ लाने से कबल नबी पाक वसल्लम ने हज फरमाए या नहीं इसके बारे में उलमा का बहुत तफसीली कलाम है और इख्लाफ है आपस में बाज का कहना है कि असलन हज नहीं फरमाया बाज ने कहा कि एक हज मदीने आने से पहले फरमाया था सही है कि आप अल्लात स्लाम ने मदीने आने से पहले तीन हज फरमाए थे आप अल्लाम ने मदीन तशीफ लाने से पहले तीन हज फरमाए थे और जब मदीन तशीफ ले आए तो उसके बाद आप ने एक ही मरतबा हज नहीं हज फर्ज होने के बाद हज फर्ज होने के बाद आपने एक हज फरमाया जिसको वदा कहा जाता है और उम्र के बारे में अकवाल मुख्तलिफ है कि आप अलहलात ने कितने उम्रे फरमाए बाज ने कहा दो बाज ने कहा तीन और बाज ने कहा चार दो तीन और चार सबकी बात ठीक है सबकी बात कैसे ठीक हो सकती है जो दो कहेगा वो तीन को मना करेगा तीन कहेगा वो चार को मना करेगा लेकिन बात सबकी ठीक कैसे है कि जिन्होंने कहा कि नबी के पाक वसल्लम ने चार उम्रे फरमाए हैं तो इन्होंने एक तो वो उमरा शुमार किया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के साथ किया था क्या पर ने फरमाया था जिसमें हज और उम्र दोनों थे तो एक उम्र वो हो गया एक उम्र इन्होंने ये शुमार किया कि जब नबी पाक अलैहि वसल्लम उमरे के लिए तशरीफ ले जा रहे थे और हदेबिया के मकाम पर कुफार ने रोक लिया था मशरकिन ने रोक लिया था आगे जाने नहीं दिया था तो उस साल नबी पाक सल्लामरा नहीं फरमा सके थे लेकिन इसको भी मौरखीन ने जो सीरत लिखने वाले हैं इसको एक उम्र शुमार कर लिया बाज़ुल्मा ने इसको एक उमरा शुमार कर लिया तो ये क्या हो गए दो उम्र फिर इस उमरे की जो आपने कजा फरमाई थी आने वाले साल जिसको उम्रतुल्कजा कहा जाता है आने वाले साल फिर आपने उसकी कजा फरमाई तो ये कितने उमरे हो गए इनके मुताबिक तीन हो गए और फिर चौथा उम्र जब आपने जयराना के मकाम पर हनैन की गनीमत तकसीम फरमाई थी तो वहां से आप आल्लाम ने मुस्तकिल उम्र फरमाया था तो ये कितने हो गए चार हो गए जिन्होंने कहा कि जी तीन उम्रें तो इन्होंने कहा कि भाई जिस साल उम्र नहीं कर सके वो उम्र थोड़ी शुमार होगा वह उम्र शुमार नहीं होगा लिहाजा सही क्या हुआ तीन उम्रे हो गए और जिन्होंने कहा दो उम्र कि दो उम्र फरमाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनका कहना यह है कि जो मुस्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र फरमाए हैं वो सिर्फ दो हैं एक हनैन की गनीमतें जब आपने जराना में तकसीम की उस वक्त और एक उस वक्त जबकि हदेबिया के मकाम पर आपको रोक लिया गया और अगले साल आपने उसकी क़़ा फरमाई तो ये दो उम्रे हुए और जो हज के साथ उम्र था वो हज के ताबे था हज के तहत आएगा उसको अलीदा से शुमार उम्र शुमार करने की जरूरत नहीं तो यूं कितने उम्र हो गए दो तो दो वालों की बात भी ठीक तीन वालों की बात भी ठीक चार वालों की बात भी ठीक हो गई सही है फसल हज ही व उम्र ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज और आपके उम्रों के बारे में ये फसल है रवा हम्माम इब्न यहया अन क़तादा قال قلت لأنس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة जरत कत्यादा से और हजरत कतदा रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि मैंने हजरत से पूछा कि नबी पाक सल्हलम ने कितने हज किए थे तो हजरत ने फरमाया एक हज एक हज और चार उम्र एक हज और चार उम्र

करेंगे जिसको उम्रतुल कज़ा कहा जाता है ये दो उम्र व ज़िल क़ादा तीसरा उम्र के महीने में क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपने ज़िराना के मकाम पर हुनैन की गनीमतों को तकसीम फरमाया व उम्र हजी और चौथा उम्र जो आपने हज के साथ

क्या मक्का मुकरमा में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशीफ फरमा थे उस वक्त आपने हज और उम्र फरमाए तो ये फरमाते हैं के इस बारे में बात कोई महफूज नहीं है यानी इस बारे में कोई दुरुस्त और सही सनत के बाद साथ जो है वो बात मालूम नहीं है वल्लती हजा हज तलबाई सफ़ीहा जो बात हज के बारे में मारूफ है वो क्या है कि आपने वदा किया और इसको वदा कहने की के वजह किया है कि इसमें आपने वो खुतबा फरमाया जिसमें लोगों को अलवदा किया जिसमें लोगों को अलवदा किया और आपने उसमें फरमाया कि करीब है कि तुम मुझे इस साल के बाद नहीं देख सकोगे इस साल के बाद नहीं देख सकोगे तो वदा में नबी पाक ने दस हिजरी के अंदर हजरतल फरमाया और फिर इसके बाद यानी उसी साल रबी अव्वल का जो महीना आया उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु नबीपाक सल्ला दुनिया से पर्दा फरमाया हजरतल ये जी हिजा के अंदर हुआ और फिर इसके बाद जो अगला साल शुरू हुआ तो उसके तीसरे महीने में यानी रबी अव्वल में नबी पाक नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ला वसम दुनिया से पर्दा फरमा दिया था ठीक है तो फरमाया कि उम्मीद है कि तुम इस साल के बाद मुझे नहीं देख सकोगे तो सबा कराम अरे मुरवान का जम गफ़ी ये इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत के लिए पहुंचा हुआ था अरफात के मैदान में कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख तो लें यानी इस्लाम ले, ले आए थे सहाबा कराम अलमिरद्वान की तबलीग के जरिए इनकी कोशिशों के जरिए ये सारे इस्लाम ले आए थे लेकिन एक बड़ी तादाद थी कि जिनको अभी जियारत का शर्फ हासिल नहीं हुआ था देहातों के अंदर रहते थे दूर दूर रहते थे अरब के कोनों के अंदर रहते थे तो जो वदा का मौका था उसमें ये सिर्फ इसलिए हाजिर हुए थे कि नबी पाक सल्लाम की जियारत हो जाए सहाबियत का शर्फ हासिल हो जाए रबुलिस वायण हम सबको नबी पाक सल्ला की बरकतें और रहमतें दीन दुनिया आखिर सब में अता फरमाए वो तो कल बरोज़ कियामत नबी पाक वसल्लम की शफात ख़ास़ा में से हमें हमारे वालदेन को हमारी आल ओला को हिस्सा नसीब फरमाए आमीन बिजाही नबीमी सल